मतलब चाय पिए हुए लगभग 1 साल हो गया, चाय छोड़ दी मतलब। और क्या पीते हो फिर? बस कुछ पानी वगैरह पी लेते हैं। और कौन है साथ में? मैं अकेला ही घूमता हूँ। अकेले? हाँ। तो यहाँ से ये राजमा बिकने के लिए बाहर भी जाता है? हाँ, हाँ। क्या क्या भाव से बिकता है ये राजमा? अच्छा, वो मेरा भतीजा है। सर सलाम वालेकुम। तो मतलब ये पूछ रहा था कि ये राजमा यहाँ से बाहर बिकने भी जाता है क्या? हमारा नहीं जाता है। अच्छा, कुछ लोग बेचते हैं। अच्छा, तो यहाँ से मतलब क्या भाव से लेते हैं बाहर से यहाँ से लोग? क्या कितने रुपए में जाता है यहाँ से? ये जाता है 600-700 हजार। अच्छा, किलो के हिसाब से बताओ? किलो के हिसाब से। अच्छा, 600-700 हजार में भी जाता है रुपए किलो? हाँ, इसमें 2-4 किस्म है ना। अच्छा, किस्म अलग अलग है? हाँ, अलग अलग किस्म। तो ये राजमा की सब्जी बनती वही है क्या ये? हाँ, वही है। अच्छा, जो जम्मू की राजमा है वो सस्ती होती है। वो सस्ती होती है, यहाँ कश्मीर की महंगी है। मतलब 1 किलो के 1000 रुपए तक? 1000 रुपए। क्या बात कर रहे हो? हमारे उधर तो राजमा बिल्कुल सस्ता है। वही जम्मू का होता है ना, यहाँ का कम ज्यादा है उधर। अच्छा, अब ये राजमा 1000 रुपए किलो का? 1000 रुपए का, 600 का, इसमें 2-4 किस्म। अच्छा, 2-4 किस्में होती है। और बाकी यहाँ पे आपके आपके खेत वगैरह भी है क्या यहाँ पे? अच्छा, आपके तो सेब वगैरह होगी ना? सेब भी है। अच्छा, कितने दूर है यहाँ से खेत? बस थोड़ी ही दूर है यहाँ पे। अच्छा, हाईवे पे ना, ड्राइवर के पास। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मतलब थोड़ा घूमने आया था मैं यहाँ पे। चाय पीता ही नहीं है सर मैं। चाय? ये कश्मीरी सूट है? अच्छा अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हो? श्रीनगर। अच्छा, आप श्रीनगर से हो? हाँ। और ये कश्मीरी सूट ऐसे गांव में बेचने आता है ना? अच्छा अच्छा, ये दिखाओ तो। अच्छा, कितना प्यारा है, इसके ऊपर फोटो भी बहुत प्यारी लग रही है। फोटो प्यारी होती है? अच्छा, फोटो भी प्यारी होती है क्या? उधर जाओगे तो वहाँ पर लेस हैं, वैसे हैं, वो ऐसे के दिखाते हैं। मैंने कहा मैं जाऊँगा, देखूंगा, घूमूंगा। अगर वैसा होता तो 1.5 करोड़ टूरिस्ट नहीं आते इस साल। हाँ, सही है। आतंकवादी और फौजों के बीच में होता है, वही होता है और कुछ नहीं। बाकी का माहौल अच्छा है एकदम। बाकी माहौल अच्छा है। तो मोदी के इन बारे में आपका क्या कहना है? मतलब वो उसने मतलब तो वो सही तो नहीं है, लेकिन उसके हमारे हिसाब से तो सही नहीं है। हिंदुस्तान के हिसाब से तो सही है, लेकिन हमारे हिसाब से अब कश्मीर के हिसाब से सही नहीं है। गरीबी आते हैं, गरीबी, गरीबी काफी है। अच्छा, सब पैसा गायब है। अच्छा, सेब खराब। अच्छा, जो बंदा 1000 रुपए खर्च करता था वो मुश्किल से 2000 खर्च कर रहा है और कमाता भी कुछ नहीं है। मतलब महंगाई ज्यादा हो गई। अच्छा, तो जो आपके जैसे कश्मीर से वो जो 370 हटाई थी, तो वो मतलब सही था या वो आपके हिसाब से मतलब गलत था? गलत है। अगर आप बुक में देखो, यहाँ लिखा होता है IOC, ये ऑक्यूपाइड है। अच्छा, तो उस हिसाब से खुद आप पढ़ लो। हाँ, पॉलिटिक्स तो वो मतलब सही नहीं किया 370 हटा के। तो ये मतलब पर्सनल आपके कश्मीरियों का मतलब ओपिनियन है कि भाई वो सही नहीं था? पर्सनल भी है और हाँ, हमारा हक भी है। अच्छा, हक भी आपका। सही सही है। गांव के अंदर दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिल रहे हैं, पानी भी पूछ रहे हैं, चाय भी पूछ रहे हैं, खाना भी पूछ रहे हैं, और जिस हिसाब से टीवी में देखते हैं उस हिसाब से तो इन गांवों में हम आने से डरेंगे, लेकिन एक बार यहां पर आएंगे तो बहुत ही अच्छा माहौल है। छोटी छोटी गलियां और यहां के लोग बहुत एकदम प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। और फिलहाल मैं गाँव से छोटी गली से यहाँ पर बाहर आ चुका हूँ, और ये मेन यहाँ पर गाँव की बीच की रोड है, थोड़ी सी सीसी रोड बनी हुई है, और ये सीन है। और इधर भी कुछ दुकानें बनी हुई है, गाड़ी जा रही है, तो ये सीन है कुछ। सलाम। स्कूल से आए हो गुड़िया? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? टेंथ। अच्छा, टेंथ में हो, और आप? अच्छा, ठीक है। तो मतलब कितने बजे से कितने बजे तक लगती है स्कूल? 10 बजे से 4 बजे तक। अभी लंच हुआ है? अच्छा, आज छुट्टी संडे। हाँ, सही भूल गया मैं, संडे भूल गया। मैं क्या राजस्थान से हूँ, मैं घूमने आया था यहाँ पे देखने के लिए। तो ये क्या है ये चीज? ये तो राजमा है सर। अच्छा, ये राजमा है ना। हाँ हाँ। तो ये यहाँ से कितने रुपए किलो जाता है बाहर? यहाँ हमें मैं क्या देता है 30 रुपए पकड़ता है केजी। 1 केजी का 30 रुपए? हाँ। तो उधर तो किसी ने बताया था ये 1000 रुपए किलो भी जाता है यहाँ से।
ना 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 1000 रुपए किलो इतना तो महंगा है। 100 में बिकता है, सब सबसे ज्यादा है हम खरीद लेते बाजार में 100 रुपया में। मतलब आप बेचते हो तो आपको कितने देते हैं है? आप बेचते हो तो कितने देते हैं आपको? 80 रुपया देते हैं। 80 रुपया हाँ। और आगे वो 100-120 में बेचते हैं। अच्छा राजमा है ना, ये आपके खेतों में होता है? अच्छा तो आपका जैसे काम धंधा यहाँ पे क्या रहता है, मजदूरी वगैरह क्या रहती है? खेती बाड़ी भी रहती है? खेती बाड़ी भी रहती है। और क्या रहता है? और क्या रहता है? और सेब के काम करता है। सेब के काम? सेब। बाकी और कोई धंधा नहीं है ना? ना और कोई धंधा नहीं। बाकी पढ़े लिखे लोग जो है वो गवर्नमेंट में भी है ना, इस गांव से गवर्नमेंट में गवर्नमेंट कर्मचारी लगे हुए यहाँ पे? पुलिस में, एजुकेशन में भी दूसरे बंदे हैं। अच्छा आप पढ़े लिखे हो? कहाँ तक पढ़े? मैट्रिक। अच्छा मैट्रिक कर रखे ना। जो मेरा दूसरा भाई है उसने किया पीजी वीजी सब। अच्छा तो यहाँ ज्यादातर आपकी सेव ज्यादा होती है? अच्छा सेव के पेड़ है तो इधर के खेत कहाँ मिलेंगे? सेव वाले? सेव वाले सेव खेत देख नहीं है मेरे तो अभी। तो इधर आपके खुद के खेत है? तो यहाँ पे सेव होने का जो टाइम होता है वो कब का होता है? बस शुरू हो गया, अभी सेव लगने शुरू हुए। और खत्म कब होंगे? अक्टूबर में। अक्टूबर में ना, अक्टूबर नवंबर। अच्छा तो फिर इसके बाद पैकिंग करता है? उसके बाद पैकिंग करते हैं ना, जनवरी फरवरी में। अच्छा फरवरी। तो अभी जो मार्केट में सेव आ रहे हैं वो थोड़े फीके फीके कच्चे कच्चे आ रहे हैं, मीठे नहीं? अच्छा वाला वही है, मीठे आ रहे हैं। मीठे मैंने कल नाइट में खरीदे थे, 1 किलो लिए थे वहाँ पे मैंने श्रीनगर में। हाँ। काफी वो मीठे थे। हाँ। बहुत मीठे थे। हाँ। अच्छा ये जो सेब है ये पके हुए मीठे? मीठे। अच्छा चलो मैं दिखाऊंगा। काफी मीठा, बहुत मीठा है दोस्तों। ये देखिए सेब के इतने सारे पेड़, मैं मेरी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ इतने सारे पेड़ है, मतलब सेब वाले। तो दोस्तों अभी हम चाचा के साथ में आगे हैं इनके सेब के बगीचे में, और ये आसपास जितने भी आप पेड़ देख रहे हो ये सब के सब है। आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम है मंजूर अहमद लोन। और आपका? सहेल मंजूर। तो ये सर का यहाँ पर पेड़ जो है वो ये सब कश्मीरी सेब है, खुद का बगीचा है हमारा। अच्छा हम इसमें रहते हैं। अच्छा यही काम करते हैं, हमें बहुत दिल लगाव है इसके साथ। अच्छा के साथ। हाँ ये मतलब कश्मीरी सेब, कश्मीर सेब के लिए ही जाना जाता कश्मीरी सेब। तो यहाँ से आता मार्केट हमारा लगता नहीं पूरा। हाँ। काफी मीठे हैं दोस्तों, मैं खा भी रहा हूँ। ऐसे मीठा सेब नहीं मिलेगा। ये देखो ये इसको कहते हैं अमेरिकन। अच्छा ये अमेरिकन है? ये वाला अमेरिकन। अच्छा ये हरा हरा, तो ये पकने के बाद ऐसे ही रहेगा कलर इसका? लाल होगा? लाल वाला होगा, एकदम लाल हो जाएगा पूरा लाल। अच्छा ये है ना, इससे ज्यादा हो जाएगा ये लाल। अच्छा ये है ना, ऐसा है ना, ये भी है। अच्छा इसमें भी किस्में अलग अलग है ना? अलग अलग किस्में। इसको काला मस्क कहते हैं। और इधर ये मक्की है? हाँ ये मक्की, ये पीछे मक्की का है। हाँ ये मक्की, ये इस वक्त उतारते हैं हम, ये वाला से। अच्छा ये अभी उतरने के काम में आ गया है, ये मार्केट में इस वक्त चल रहा है। तो अब ये यहाँ से दोस्तों तोड़ने के लिए ये आ चुका है। अब ये यहाँ से कब तोड़ोगे इनको, आज या कल? एक दो दिन की बात, हमें आज काम है। हाँ खाइए आप भी। ये खा रहा हूँ, तो ज्यादा मत तोड़ो आप, खाओ ये तो अपना है बगीचा है ना, ले लो खाओ। बिल्कुल बहुत प्यार मोहब्बत है दोस्तों। कभी आप यहाँ पे मतलब घूमने, ये टीवी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ बहुत ज्यादा डर लगता है, मतलब टीवी वाले डराते हैं। ये तो डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ये तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है। मेरा इस गांव का नाम है जंगम पट्टन। अच्छा जंगम पट्टन। हाँ हाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है। जो यहाँ का मीडिया है ना वो झूठ दिखा रहा है सब कुछ। जिला बारामूला है ना? जिला बारामूला पट्टन तहसील है। आप आइए यहाँ घूमने के लिए, आइए आप शौक से देखिए। हाँ। ये तो डिलीशन बगीचा है, देखो ये। हाँ। सब कुछ है। ये सेब थोड़े अलग लग रहे हैं ना? हाँ, हाँ, ये बढ़िया सेब है, डिलीशन होता। अच्छा, है और इनका कलर अलग है? ये तो जाता है मार्केट में 1000-1200 रुपया है एक पेटी। अच्छा एक पेटी। हाँ, बाहर में। हाँ। सबसे। और ये सब वाला ये भी जाता है थोड़ा सा बक्सा में, ये बक्सा में छोटे 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 2 kg वाला। ये मतलब ये किलो के हिसाब से मैं अगर मैं बात करूँ कितने रुपए किलो मिलता है? ये मार्केट में मिलता है 100 रुपया 80 रुपया। और वो वाले? ये वाला ये थोड़ा 16 kg आता है एक बक्से में। ये 16 kg 1000 रुपया में बिकता है, 1200-1500 में बिकता। अच्छा, है।
हमें देता है इतना नहीं, मुझे हमें देता है। हाँ, आपसे तो थोड़ा कम में खरीदेंगे, आगे महंगा बेचेंगे वो। हमें हाँ, ये एक्सपोर्ट करता है दिल्ली वाले, मंडी वाले हमें। और दोस्तों यहाँ जिस प्रकार से हमारे अपने राजस्थान में बोर कैसे पड़े रहते हैं नीचे, वैसे सेव पड़ी नीचे, ऐसे पड़ी रहती है ऐसे पेड़ों के नीचे, बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। तो हमारे उधर तो सेव काफी महंगी मिलती है। अच्छा। हाँ, मतलब 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए भी ले लेते हैं। चलो अगर किस्मत हो तो ले जाओ। नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भार है, लेके नहीं जाऊंगा। ले जाओ खाने के लिए, इसमें बैग में ले जाओ। नहीं, बैग में तो भार बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी बहुत ज्यादा भार है। क्यों? तो ऐसे हम तो घूमते रहते हैं, क्या क्या लेके जाएंगे। अच्छा, बादाम भी आ गया, ड्राई फ्रूट वाला। ड्राई फ्रूट भी है यहाँ पे। अच्छा, ये बादाम का पेड़ है, ये जो ड्राई फ्रूट वाला। अच्छा, ड्राई फ्रूट वाला है ना, ये बादाम लग रही है वाली। काटो काटो, ये देखो। हाँ, इसके अंदर से निकालो। पका हुआ। हाँ, ये है पका हुआ है। अच्छा, बुर्जुला है। आप देखिए ना, ये अच्छी किस्म का है ना। अच्छा किस्म का, महंगा वाला। देखो इसमें से निकालो बादाम। ये तो खराब है, ये। अच्छा, ये तो मतलब सड़ गया है ना। सड़ गया ना। हाँ, तो ये कब उतरेंगे? ये पास हो गया था यार, तैयार है ना। तो ये तो अभी लीले हैं, हरे हैं, मतलब थोड़े देखो। अब खाइए ये। अच्छा, ये बादाम निकले ना। ये बादाम निकला, ड्राई फ्रूट निकला। खाइए आप, ये बादाम है दोस्तों। काफी मीठा है, काफी अच्छा है। ये ओरिजिनल जो ड्राई फ्रूट है वो यहाँ कश्मीर के ही है, कश्मीर का ही है, बाकी तो सारा डुप्लीकेट है। देखो ये भी मैंने लगा, ये और जो केसर होती है उनके लिए पर्टिकुलर अलग खेत होते हैं ना। वो अलग माहौल में होता है, वो अनंतनाग में है। अनंतनाग में उधर वो तो केसर होने का टाइम क्या होता है? बस ये आप जाइए वहाँ अनंतनाग में, लतपोरा में या है ना, पांच छोक श्रीनगर से थोड़े पड़ते हैं ऊपर, ये नेशनल हाईवे में पड़ते हैं, आपको वो मिलेगा। आपको तो उधर केसर होती है? वो जिस तरह ये पेड़ है ना, ये देखो ये घास है ना, ऐसे हाँ? होते हैं ये छोटे छोटे घास की तरह। ये है ना लाल वाला, ऐसे होते हैं ये। अच्छा, ये छोटे छोटे ऐसे, वो देखो ना ऊपर की, हाँ वहाँ है ना वो लाल। हाँ, वो लाल वाले फूल टाइप ऐसे है, फूल टाइप है, इतना ही छोटा। ये टमाटर भी लगा हुआ यहाँ। अच्छा, कश्मीरी टमाटर, बहुत बढ़िया लगा सर। ये ना ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से नीचे पड़े हुए हैं सेव, खूब सारे सेव के पेड़ हैं। और यहाँ ये छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं, छोटे छोटे टमाटर। और ये देखिए इस प्रकार से ये सेव नीचे पड़े हैं, तो ये बहुत ही शानदार नजारा दोस्तों। गांव में घूमकर बहुत अच्छा लगा, और चाचा ने जबरदस्ती 1 किलो सेव तो मेरे बैग में रखा ही दिए जबरदस्ती, और 2 तो मुझे हाथ में दे दिए कि चलते चलते रास्ते में खाना, कश्मीरी सेव। और बहुत ही ज्यादा प्यार मोहब्बत मिला मुझे, अच्छा लगा घूम के। कुछ भी ऐसा मेरे को डर लगने वाला ऐसा कोई सीन नहीं लगा मुझे। और उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा दोस्तों। ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, बारामूला के अंदर ये लोकल गांव है। और अभी यहां से मैं अब बाहर निकल रहा हूं और आगे चलेंगे। मिलता हूं आपको मैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।